तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक बिल्कुल ही नई लेटेस्ट ताजी फ्रेश वीडियो में। ठीक है, तो बहुत सारे लोग, मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि तू है कहां ट्रैक के ऊपर, रिएक्शन वीडियो कहां है। तो मैं बहुत पहले उस पर रिएक्ट कर चुका हूं। मुझे पता है मैं बहुत सारी वीडियोज अपलोड करता रहता हूं, मेरे चैनल पर वीडियो ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं अब सिंगल गाने को कहीं और तो सजा के नहीं रख सकता, तो आप लोग जरा वहां पर ढूंढे, या मैं इसके डिस्क्रिप्शन में जरूर लिंक दे दूंगा। ठीक है, मैं इसलिए लिंक नहीं देता ताकि आप लोग, मैं चाहता हूं आप लोग चैनल पर जाओ, वहां पर आप लोग ढूंढो, आपको वहां पर और कोई बढ़िया वीडियो मिल जाए और आप लोग वीडियोस देख लो। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि तू है कहां के ऑफिशियल वर्जन के ऊपर मैं पहले ही रिएक्ट कर चुका हूं। इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं, उसी गाने को एक और नए अंदाज में पेश किया गया है, ठीक है, और ग्रुप की तरफ से। लेकिन इस बार एक खास बात है, एक खास इंसान इसमें अपनी फीचरिंग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बड़ा कोलैब है ये, बहुत ही ज्यादा बड़ा कोलैब है। अभी मैं किसी और ट्रैक के ऊपर रिएक्ट कर रहा था, मेरी नजर इस ट्रैक के ऊपर पड़ी तो मैं ना एक मिनट के लिए हैरान हो गया कि ये चीज क्या है। तो हम इस ट्रैक के क्रेडिट्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, तू है कहां फीचरिंग जैन, वोकल्स दिए हैं अपने अहद खान, उस्मा अली, जैन, ठीक है, लिरिक्स एंड कंपोजिशन बाय अहद खान, उस्मा अली, राफे अनवर, म्यूजिक प्रोड्यूस बाय राफे अनवर, वीडियो क्रेडिट्स, ठीक है, जैन की वीडियो बनाई है ग्रैंड मसरोनी ने, एडिटर है उनके क्रिश्चियन क्लोंग, ठीक है, और वालों की बनाई है अरहम इकरम ने, ठीक है। तो मुझे लगता है साथ में मिले नहीं है, उसने अपने यहाँ वीडियो बनाई है और इन लोगों ने अपने यहाँ बनाई है। अब सब कुछ देखकर ही फिगर आउट हम कर पाएंगे कि इस ट्रैक के लिए, इस कोलैबोरेशन के लिए अलग से वीडियो शूट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो देखकर ही हम पता करेंगे इसके बारे में। मैं देखना चाहूँगा कि जैन ने इसमें कितनी वाइब अपनी ऐड की है। पहले ही बहुत ही बढ़िया गाना है, इसका फील बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जैन ने इसमें क्या किया होगा, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें। कमेंट सेक्शन में आप लोग ऐसे ही सजेस्ट करते रहे नई नई वीडियोस, और भी अगर कुछ आप लोग चाहते हो मैं कवर करूँ, आप वो चीज़ भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि एक और प्लेटफॉर्म जुड़ जाए जहां पर हम बात कर सकें, ठीक है, मैं समझ सकूं कि मुझे पहले किस वीडियो पर काम करना चाहिए। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर कर लेना, वहां पर भी प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। फिलहाल हम जंप करते हैं इस ट्रैक की ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो में, एंड पर हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। काफी कंफ्यूज हूं मैं इस कोलैब को लेके, सुन के फिगर आउट करते हैं और फिर इसके बारे में बात करेंगे। ना, नया शूट हुआ है, कि जब मैं इससे आगे बढ़ गया था आशिकी में, यानी जिंदगी को ले रहा मजाक ही में, फिर मजाक ही में मर गया सब खाक ही में, छू कर आया मंजिलें तो तनहा था मैं वापसी में, जैसे फूल तोड़े होंगे तुमने झोली भर के, मैं वो फूल जो के रह गया था शाख ही में, जैसे ख्वाब ही में ख्वाब गाहे आँख ही में, पल से पल में क्या हुआ तुम रह गए बस याद ही में, फील है यार, फील है इसमें, चलता है मेरे दिल में कभी, तुझे मैं भूल जाऊँ या तुझे मैं याद करूँ, तुझी को सोच के लिखता हूँ जो भी लिखता हूँ, लिख रहा हूँ तो फिर क्यों ना एक सवाल करूँ, मैं इस सवाल से गम को बदल दूँ खुशियों में, पर इन बेजान सी खुशियों से क्या कमाल करूँ, पर अब सवाल भी कमाल तू संभाल ले, फिलहाल ये सवाल बेचा चाल क्या मैं चाल चाल चल तू अपनी, मैं तुझे पहचान लूंगा, मैं अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम लूंगा, तुझे पसंद है धीमा ले जा और बस खामोशियां मैं तेरे खातिर अपनी खुद की सांसें थाम लूंगा, क्या तेरे सारे आंसू मेरे हो सकते हैं, ऐसा है तो तेरे खातिर हम भी रो सकते हैं, मेरे खातिर मेरे रोने पर अब तुम बस हंस देना, एक बार तेरी मुस्कुराहट के पीछे हम सब कुछ खो सकते हैं, क्या मेरी मोहब्बतों का कोई हिसाब नहीं है, क्यों तेरी आंखों में मेरे लिए कोई ख्वाब नहीं है, तुझे क्या ही करूं गमजदा, स्टूडियो में ही शूट किया लेकिन फिर भी प्यारा शूट किया यार, अच्छा लग रहा है, जवाब नहीं है, कितनी मुद्दतें हुई है तुमने खत क्यों नहीं भेजा, गा लेता हूं तेरे लिए, मौसिकी नहीं है पेशा, आने की खबर ही नहीं तेरे, प्यारा लिखा था यार, समों से पूछूं तेरे, प्यारी वाइफ थी, प्यारा लिखा था, आंसू नहीं है कहा है तो कहा तू नहीं है, दिल को ये अब जानना ही नहीं, बस तो चल तू है कहा, के शहर में मेरा ढूंढता, इतना बढ़िया गाता है, बहुत बढ़िया गाया उसने, वाइब चेंज कर दी, मंजिलों का ना हो रास्ते, तू हूँ मैं हूँ बैठे दोनों पर, हम तारों के तले, ना सुबह हो फिर ना ही दिन ढले, कुछ ना कह सके
कुछ ना सुन सके, बातें सारी वो दिल में ही रहे। तुमको क्या पता है क्या हो तुम मेरे लिए, क्या कशा हो तुम, कहानियों की परियों की तरह हो तुम, मुझ में आ सके ना कोई इस तरह हो तुम, वो यकीन तुम मेरा या फिर गुमा हो तुम, आशियां हो तुम, मैं भटका सा मुसाफिर और मकां हो तुम, मेरी मंजिलों का एक ही रास्ता हो तुम, ढूंढता है दिल तुझे बता कहां हो तुम, ओ जहां कहीं भी आओ पास ताकि आंसू मेरे थम सके, याद आ रहे हो तुम मुझे अभर लम्हे, ऐसी जिंदगी का क्या जो तुम जिंदगी सर, वीडियो भी बढ़िया बनाई ना बन सके, सोचता रहूं या भूल जाऊं अब तुम्हें, तुम मिल ही ना सकोगे तो फिर कैसे चाहूं अब तुम्हें, तेरे सारे ख्वाब पल में जोड़ देंगे, जिसमें तू ही ना बसेगा फिर वो दिल ही तोड़ देंगे, छोड़ देंगे वो शहर ये जिसमें तुम ना होगे, टूट जाएंगे मकान वो सारे हसरतों के गुजरे पल जो साथ तेरे, वो पल है बस सुकून के मिलो अब तुम इस तरह से के फिर नहीं मिलोगे, तू ही था साथ में मेरे, कैसे मैं जीऊंगा अकेले, तारे गिन गिन के होगी है सुबह, तू है कहां, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था बहुत बढ़िया यार। ओके दोस्तों, तो अब तुमको एक मैं अंदर की बात बताता हूँ, ठीक है। ये चीज़ मुझे भी अभी अभी रियलाइज़ हुई कि जैन का आज तक मैंने कोई गाना नहीं सुना, मुझे पता नहीं था कि ये सिंगर हैं या रैपर हैं क्या है, लेकिन मैंने इनको फोटोज़ में देखा हुआ है, इनकी रील इंस्टाग्राम पे आ ही जाती है सामने कहीं ना कहीं, और पता है कि बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, ठीक है। लेकिन मैं बाहर के लोगों के उतने गाने नहीं सुनता, क्योंकि हमारे आसपास इतना ज़्यादा टैलेंट है, ठीक है, और जो बातें हम समझते हैं उन्हीं बातों को मैं ज़्यादा सुनता हूं। तो मैं ऐसा इमेजिन करके बैठा हुआ था कि ये रैप का पार्ट इनका एक इसमें ऐड होगा, लेकिन जिस हिसाब से वो गा रहे थे, ठीक है, जिनका गाना है वो उस हिसाब से अपना चल रहे थे, इनका जब हुक पार्ट पे आया और जिस तरीके से इन्होंने गाया, ठीक है, जिस हिसाब से हरकतें ली इन्होंने बीच में, मैं कहूँगा यार ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई यहाँ पर। बहुत ही ज़बरदस्त एक प्यारा सा टच दे दिया गाने में, एक फ्लेवर मिक्स कर दिया अपने वोकल्स का, बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल गए जैन यहाँ पर। ये ट्रैक इतना ज़्यादा प्यारा है कि कहीं पर बज जाए तो उसी तरीके से दिल खुश हो जाता है, और गाना ऐसे चलता जाता है। मैं ओरिजिनल ट्रैक के बारे में बात कर रहा हूँ और ख़त्म हो जाता है, लेकिन जैन के पार्ट के बाद अब ना थोड़ी सी वेरिएशन आ गई बीच में, थोड़ी सी वाइब वहाँ पर चेंज होती है, क्योंकि उसने ना काफ़ी ऊपर ले गया वो अपना नोट, बहुत ही बढ़िया तरीके से गाया उसने वहाँ पर, एक बढ़िया फ्लेवर उसने वहाँ पर चेंज किया। और विजुअल्स के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया बनाया, मुझे लगा था क्या थोड़ी बाहर होगी वीडियो, लेकिन उनकी भी स्टूडियो में थी, उनकी अपने स्टूडियो में थी जैन की, लेकिन कलर ग्रेडिंग काफ़ी बढ़िया थी, एक ही वाइब सेट की हुई थी और देखने में बढ़िया लग रहा था, ऐसा नहीं कि बोर हो रहा है इंसान सिर्फ ट्रैक सुने जा रहा है, देखने में भी बढ़िया लग रहा था। ओके गाइस, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करो चैनल को, और आपको ये वर्जन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मिलता हूं किसी और वीडियो में आप सभी लोगों से, बाय।